जागरण, पैसा दे करके और अखंड कीर्तन हो रहा है, अखंड। अरे पैसा देकर लोग मृत्युंजय का जाप कराते हैं, बेटा सीरियस है, बुलाओ पंडित जी को, दे दो 500 रुपया, ऐ पंडित जी जब करो मंत्रुंजय का, हमारा बेटा बच जाए। ये 5000 में 500 में बेटे की मृत्यु पर विजय प्राप्त हो जाएगी। अरे भगवान श्री कृष्ण नहीं बचा सके अभिमन्यु को, मामा थे उसके सगे, अर्जुन उसका बाप, सिद्ध महापुरुष गीता ज्ञानी, तो भी नहीं बचा सका। और तुम मृत्युंजय का जाप पंडित जी के कह रहा, अपने आप भी नहीं। तो पंडित जी ने कहा है ऐसा, क्या करें हम, कि हमसे जाप करा लो। अरे मृत्यु पर विजय आज तक किसी ने प्राप्त किए? बड़े बड़े भगवत प्राप्त महापुरुष परमहंस हुए हैं, सब चले गए, है कोई? लोग पूछते हैं वे शंकराचार्य 32 साल में क्यों चले गए, इनको और रहना चाहिए था। ए गौरांग महाप्रभु 48 साल में क्यों चले गए, अमुक महात्मा 50 साल में क्यों चला गया, हमारी परमिशन से उसको जाना चाहिए। ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं लोग, लेकिन जाना सबको है, मृत्यु पर विजय किसी ने प्राप्त नहीं की। कोई सतयुग का आदमी बैठा आया, किसी ने देखा किसी को? अरे स्वयं भगवान आते हैं जाते हैं, अरे इतने अंतर है, वो शरीर के सहित आते हैं, शरीर के सहित जाते हैं, बस हम लोग शरीर बना के आते हैं, शरीर छोड़ के जाते हैं, लेकिन साल आते जाते आते जाते आते जाते, तो वो भी दूसरे के द्वारा जप करा करके, और अपने बेटे को हम प्रारब्ध काटना चाहते हैं। अरे प्रारब्ध तो सिद्ध महापुरुष को भी भोगना पड़ता है जी, राम ने दशरथ जी को नहीं बचाया सके बाप, और लाखों बंदरों को बचाया। जिसका प्रारब्ध समाप्त हो चुका वहां कोई कायदा कानून नहीं चलता, तो हम लोगों की भक्ति गलत है, साधना गलत है, इसलिए मन शुद्ध नहीं होता। और मन से ही आइडियाज पैदा होते हैं, अच्छे बुरे, ये सब बुराई हम लोगों ने बाहर से इकट्ठा की है ना। जब हम पैदा हुए थे कोई बुराई थी हमारे अंदर? हमारी मम्मी ने कहा था पहली बार, बेटा यहां खेल रहे हो, अच्छा खेलो, लेकिन देखो ऐसा है, अभी पड़ोसिन आएगी तो वो पूछेगी तेरी मम्मी कहाँ है, तो कह देना कि मम्मी घर में नहीं है, नहीं तो हमारी जान खाएगी। कह दूंगा, मम्मी आई पड़ोसिन, कहा बेटा तेरी मम्मी कहाँ है, उनने कहा मम्मी ने कहा है कि पड़ोसिन आवे तो उससे कह देना मम्मी घर में नहीं है, वरना वो खोपड़ा खाएगी।
था वैसे दोहरा दिया हम लोगों ने, क्योंकि हम लोगों में कोई 420 तो थी नहीं पैदा होते। अब मम्मी आई, वो सुन रही थी ड्राइंग रूम से, एक छापर लगाया, इतना बड़ा हो गया तमीज नहीं है, ये नहीं कहते कि मम्मी ने कहा है। अब झापड़ के डर से बिचारे ने कहा ठीक है भाई, अब आगे से ऐसे ही करेंगे। देखो वहां से हमने सीखा है 420 झूठ बोलना, बात बनाना, और फिर लोगों से, किताबों से, पिक्चर से, टीवी से, तमाम साधनों से अंबार भर लिया, तो हमारा नाम हो गया एक्सपर्ट, एडवांस और काबिल आदमी है। छल कपट का भंडार माने काबिल आदमी, तो आप उसको कुछ कूड़ा कचरा को निकालने के लिए जहां वो गड़बड़ी है वहां की सफाई होनी चाहिए ना, तो वो गड़बड़ी मन में है, इंद्रियों में नहीं, तन में नहीं। तो मन से भक्ति हम लोग नहीं करते, धर्म माने मन से धारण करना, स्पिरिचुअल पावर, वो भगवान को, खुदा को, गॉड को, कुछ कहो, मन से उसको धारण करना है। सब कामना लेकर के संसारी सुख हमारा है उद्देश्य, ब्लंडर मिस्टेक, बस हम, हमारा ये निश्चय है संसार में सुख है, हमको नहीं मिला, हमारी माँ खराब है, हमारा बाप खराब है, हमारी बीवी खराब है, संसार में सुख है, एक दिन मिलेगा, 1 करोड़ में नहीं मिला, 2 में मिलेगा, 4 करोड़ में मिलेगा, मिलेगा, बस ये एम गलत हो गया तो फिर उसके पाने के लिए जितने भी 420 है वो सब हम करेंगे, करना पड़ेगा। इसलिए करप्शन, अगर ये बुद्धि में बैठ जाता, हम आत्मा है, शरीर नहीं है, हमारा सुख तो परमात्मा में है, संसार में नहीं है, संसार तो हमारे शरीर चलाने के लिए भगवान ने बनाया है। संसार से सुख मिलने का सवाल इसलिए नहीं है कि संसार पंच महाभूत का है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इनसे बना है, और शरीर भी हमारा पंच महाभूत से बना है, इसलिए शरीर के लिए संसार है, आत्मा के लिए परमात्मा है, अलग अलग हिसाब है। अब हम उल्टा करें, कान से देखने की चेष्टा करें, आंख बंद करके क्या कर रहे हो, देखने की कोशिश कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, पागल हुआ है, कान से देखने की कोशिश कर रहा है, अरे वो इम्पॉसिबल है, क्या करते हो, इम्पॉसिबल है, नई रिसर्च है, हम करेंगे। यही हाल हम लोगों का है, संसार का सामान दे करके आत्मा को सुखी करना चाहते हैं। अरे तुम्हारे बाप दादे साहब हार गए कर करके, और तुम भी अनंत जन्मों में अनंत बार स्वर्ग गए हो,